रंगों की उत्पत्ति और उनके प्रकार। जिस प्रकार काव्य रचना का आधार शब्द होते हैं, उसी प्रकार आलेखन कला का आधार रेखाएं एवं रंग होते हैं। रंग आलेखन के सौंदर्य प्रदान करते हैं। आलेखन की सुंदरता और उसके आकर्षण में वृद्धि के लिए रंग संयोजन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। रंग संयोजन के लिए रंगों और उनके प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। रंगों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव के आधार पर रंगों के भेदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर रंग के भेद। उत्पत्ति के आधार पर रंगों के दो भेद माने जाते हैं। पहला, प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग या प्राथमिक रंग। दूसरा, द्वितीय अथवा गौड़ रंग। तीसरा है आपका तटस्थ रंग। प्रारंभिक रंग लाल, नीला, पीला। द्वितीय रंग नारंगी, बैंगनी, धानी। तटस्थ रंग ये उदासीन रंग होते हैं। इनका प्रयोग टिंट और शेड बनाने के लिए किया जाता है। सफ़ेद रंग हल्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है और कलर गाढ़ा करने के लिए काले रंग का मिश्रण किया जाता है। 16 सेमी व्यास का वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 सेमी की त्रिज्या लेकर एक व्यास बनाएंगे। 8 सेमी की त्रिज्या गोला प्रकार के माध्यम से लेकर बनाएंगे। पूरा वृत्त बनाने के बाद कमल के पुष्प के माध्यम से हम आलेखन बनाएंगे, जिसमें किसी पशु या पक्षी का समावेश भी हम कर सकते हैं। अब हम इसमें मछली बनाने जा रहे हैं। लक्ष्मी मछली अलंकारिक ढंग की होनी चाहिए। आलेखन बनाते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि रेखाएं लयात्मक होनी चाहिए, जिसमें प्रवाह दिखता हो। सबसे पहले हम फूल बनाएंगे कमल का। कमल का फूल बनाने का तरीका हम आपको बताते जा रहे हैं। अब हम बीच की रेखाओं को इरेज कर देते हैं। यह सबसे आसान तरीका होता है कमल बनाने का। कुछ बच्चे प्रायः कमल बनाने में बहुत सी गलतियां करते हैं। वह इस प्रकार से बनाते हैं, एक तरफ ऐसे कर देते हैं, दूसरी तरफ ऐसे कर देते हैं। यह तरीका गलत होता है। ठीक इसी प्रकार से फूल बनाए आप, फिर इसको विभिन्न प्रकार की आकृतियों से भरना स्टार्ट करते हैं। विभिन्न आकृतियों से इसको भरते हुए बनाते हैं। अब इसकी कली हम बनाएंगे। कली में भी कई आकार की
कलियों को हम बनाते हैं, यह इसकी पत्ती पत्ती का आकार। इसको लयात्मक ढंग से चारों तरफ घुमाते रहते हैं जिससे कि आलेखन पूरी तरह से भरा हुआ हो और देखने में सुंदर लगे। सुंदर ढंग से भरते हुए इसको अच्छे ढंग से कलर करते हैं। कलर करने में बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती है। आलेखन कलर करते समय सबसे पहले चित्र को वॉश करना पड़ता है हल्के पानी के साथ। हमें 3 रंगों का प्रयोग करना है आलेखन में। जो नेत्र रंजक होना चाहिए यानी आंखों को देखने में अच्छा लगे। सफेद और काला रंग मान्य है, उसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। उसे टिंट और शेड बनाने में आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः धरातल जो है वह हल्के रंग का करिए जिससे और कलर करने में आसानी होती है। बस अगले वीडियो में मैं आपको स्मृति चित्र मेमोरी ड्राइंग बताऊंगी।